गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। मेरा नाम साक्षी शर्मा है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे फेशियल हेयर्स को रिमूव समर्स में। तो इस टाइम जो है 10:30 बज रहे हैं, ठीक है? तो 10:30 बज रहे हैं रात के, तो हम रात को अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करेंगे। आप सोच रहे होगी कि मैं टाइम क्यों आप लोगों को बता रही हूँ। तो टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं जो है अपने फेशियल हेयर्स को नाइट में रिमूव करना जो है ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि रात है, हमें कुछ नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, धूप में कहीं नहीं जाना है, शाम में भी कहीं नहीं जाना है, तो स्वेटिंग नहीं होगी, हमें सिर्फ अब सोना है। तो हम आराम से मज़े से फैन में, एसी में, कूलर में जो है आराम से सो जाएंगे, हमारे फेस पे स्वेटिंग नहीं होगी, तो कोई भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होंगे इन सब के। तो फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए मैं ले रही हूँ ये सनपिक के रेजर्स और साथ में हम लेंगे एलोवेरा जेल। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा मेरा एलोवेरा जेल, ठीक है? तो अब हम शुरू करेंगे हमारी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो है मैंने अपने सारे बाल जो है पीछे कर लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फेशियल हेयर्स। मैंने अराउंड 2 मंथ से कुछ भी नहीं किया है, अपने फेशियल हेयर्स बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए। आप ये देख सकते हो काफ़ी सारे फेशियल हेयर्स जो है मेरे को हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं, अब हम जो है इन्हें रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम वन साइड ऑफ द फेस पे मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी अपने फेस पे। जो है हमने अपने हाफ ऑफ द साइड में जो है एलोवेरा जेल लगा लिया है, तो हम जो है हमारे फेशियल रेजर को 45 डिग्री के एंगल में रखेंगे, थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करेंगे और फिर जो है जेंटली ध्यान से केयरफुली करेंगे। बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है। हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत इजीली हमारी स्किन में जो है एब्जॉर्ब होते हैं। साइड लॉक्स को हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हम इन्हें सारा रिमूव नहीं करेंगे, काफ़ी अननेचुरल लगता है नहीं तो। सारे बाल हमारे फेशियल हेयर्स अब जो है मैं अपने फेस को वॉश कर आ गई हूँ, तो आप देख सकते हो कितना क्लियर और रेडिएंट मेरी स्किन लग रही है, एक्सेप्ट आईब्रोज पर। कोई बात नहीं, अब हम आईब्रोज को भी करते हैं। तो आईब्रोज के लिए मैंने जो है ट्वीज़र ले लिया है, ठीक है? अब हम इससे जो है अपने सारे अंडर आईब्रोज जो है ये सारे प्लग इन कर देंगे। ये मैं रेजर से इसलिए नहीं करती क्योंकि रेजर से करने से जो है बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाती है, और प्लकर से जो है थोड़ा टाइम में आती है। नाउ आई हैव वॉश माई फेस, आप देख सकते हो कितने क्लीन आईब्रोज और क्लीन रेडियंट जो है मेरा फेस लग रहा है। बट हमारा फेशियल हेयर रिमूवल का सारे स्टेप्स जो है अभी कम्प्लीट नहीं हुए हैं। सेकेंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर दिस समर इज दिस फेशियल आइसिंग। हम जो है फेशियल हेयर को रिमूव करने के बाद अपने फेस पे जो है आइसिंग करेंगे। आइसिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा पूरा फेस जो है हमने क्लीन कर दिया है, स्वेटिंग होगी, ओपन पोर्स हैं, ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा सीबम सिक्रेशन होगा, ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होगा, जिसकी वजह से जो है एक्नेस वगैरह होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फेशियल आइसिंग से हमारे फेस को 1 मिनट या 2 मिनट जितनी देर भी हमसे हो पाता है, जितनी देर भी हमारा फेस या हमारी स्किन जो है एक्सेप्ट कर पाती है, उतनी देर तक जो है हम फेशियल आइसिंग करेंगे। इससे हमारे पोर्स वगैरह जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और हमें स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होगी, ऑयल सिक्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो अब जो है मैं अपने फेस पर जो है इसे अप्लाई कर रही हूँ।
जितनी देर तक आप जो है इसे टॉलरेट कर सकते हैं उतनी देर तक ही फेशियल आइसिंग करें, ज़्यादा देर तक एक्सीड ना करें, क्योंकि ज़्यादा फेशियल आइसिंग से जो है आपको आइस बर्न भी हो सकता है, तो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा तो एक्सीड ना ही करें। फेशियलाइजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसको करने का भी एक राइट वे है इफ़ यू आर अ बिगनर, तो इसके लिए भी मैं एक जो है डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर दिस अपकमिंग वीडियो। तो अब जो है ये हो गया है, तो मैं जो है जेंटली टॉवल से जो है ये पूरे वाटर को अब्सॉर्ब कर लूंगी। हमें जेंटल होना है, हमें हार्शली टॉवल से जो है फेस वॉश नहीं करना है। नंबर वन जो है रीजन इसका ये है क्योंकि अभी अभी हमने जो है अपने फेशियल हेयर्स जो है वो रिमूव किए हैं। हमारा जो स्किन बैरियर की तरह ये फेशियल हेयर्स जो है साइंटिफिकली काम करते हैं, तो ये हमने रिमूव कर लिए हैं, तो फिर इसकी वजह से जो है हमारी स्किन पे स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो हार्शली अगर हम टॉवल से ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हमारे फेस के लिए। सेकंड रीज़न ये है कि हमने जैसे फेशियल आइसिंग की है तो भी हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव सी हो जाती है, तो भी हम जेंटली पैड ड्राई करके ही सारे वाटर को जो है एब्जॉर्ब करेंगे। और अब ये हो गया है, तो इसके बाद जो है हम दोबारा फेशियल एलोवेरा जेल जो है अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पे, ताकि एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट हमारी स्किन को मिल सके। एंड दैट्स इट, तो हमने जो है अपने पूरे फेशियल हेयर्स जो है रिमूव कर लिए, आइसिंग कर ली ताकि स्वेटिंग और ऑयल सिक्रीशन वगैरह की प्रॉब्लम हमें ना हो, और एलोवेरा जेल लगा लिया फॉर दिस सूदिंग कामिंग इफेक्ट, ताकि कोई रैशेस एक्ने वगैरह हमारी स्किन में ना हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।